चुन लिया है, जबकि चिराग गुट ने 20 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। दोनों गुट अपने अपने कदम को पार्टी संविधान के मुताबिक बता रहे हैं। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, पशुपति पारस को अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया को संविधान के खिलाफ बताया है। चिराग पासवान ने जेडीयू पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है, साथ ही एलजेपी की लड़ाई को लेकर बिहार की सियासत में गरमा गई है सियासत, इसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन बीजेपी इस मसले को लेकर मौन है, बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, एलजेपी में दोनों गुट आमने सामने हैं और यही वजह है स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है चिराग पासवान की ओर से। हालांकि 20 जून को चिराग पासवान गुट कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो चिराग गुट ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 20 जून को यह बैठक होगी और 20 जून की बैठक में विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो पारस को अध्यक्ष बनाना संविधान के खिलाफ है, चिराग पासवान की ओर से कहा गया है। हालांकि दोनों ही गुट या फिर ये कहे हैं कि चाचा भतीजे दोनों एक दूसरे को ये कहते हुए नजर आए हैं कि दोनों ही संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर यह आरोप है कि संविधान के हिसाब से चीजें नहीं हो रही है। तो 20 जून को चिराग गुट की बैठक होगी, बिहार की सियासत इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि मीडिया से मुखातिब होते हुए चिराग पासवान ने जेडीयू पर सीधा आरोप लगाया पार्टी टूट का। मैं पूरी तरीके से मैं मानता हूं कि संभवतः पूरी तरीके से जानकारी के अभाव में ओम बिरला जी, स्वाभाविक सी बात है उनको मेरी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं होगी और उन्होंने सांसदों की मौजूदगी देखी और जो कि 2/3 से यकीनन ज़्यादा है, तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने उनको नेता घोषित कर दिया। पर मैंने उनको पत्र लिख के इसी बात की जानकारी दी है कि उनकी ये नियुक्ति पूरी तरीके से वैध है, गैरकानूनी है। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही ये अधिकार है नेता सदन को चुनने का। चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? हनुमान को लगता की मदद चाहिए, हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर पशुपति कुमार पारस जी का चयन असंवैधानिक है, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो रोल है लोजपा के मामले में वो निपथ से है। अभी चुप्पी साध रखी है कि लोजपा का मतदाता भाजपा से कहीं घृणा न करने लगे। तो एक बात तो आपको स्पष्ट होना है ना भाई, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ पार्टी को तोड़ने के लिए, मंत्री का पद, पैसा, सब कुछ का इस्तेमाल हुआ, तो ये तो लोकतंत्र कलंकित हुआ, शर्मसार हुआ। अब इस तरह को बैठक बुलाई चिराग पासवान जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, असली और नकली दोनों की पहचान हो जाएगी। एलजेपी के मामले में बीजेपी चुप्पी साध ली है, इसका रहस्य सब लोग जान गए। अब ये बात छिपी हुई नहीं है कि ये सारा खेल जो है एलजेपी के अंदर जो हुआ है ये बीजेपी के ही इशारे पर हुआ है। बीजेपी का प्रत्यक्ष और परोक्ष इन्वॉल्वमेंट अब साबित हो गया है, इसलिए बीजेपी आज चुप्पी साधे हुए है। लेकिन पारस जी आज अध्यक्ष बनाए गए और अध्यक्ष बनाने के बाद ये बात कहते हैं कि मैं जब मंत्री पद पर जाऊंगा तो वो संसदीय दल के नेता के पद छोड़ दूंगा, तो ये सब मामला कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें भूमिका है। बीजेपी एलजेपी के मामले में चुप क्यों है, मुखदर्शक क्यों है? देहात में कहावत है कि सौ चूहा खा के बिल्ली चली हज को। अब भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि पशुपतिनाथ पारस उनके बी टीम है या जेडीयू के बी टीम है। भाजपा ये तो क्लियर करे कि वो किसके साथ है, चिराग पासवान के साथ या पशुपतिनाथ पारस के साथ? मलाई के हकदार वो किसको बनाएंगे, पशुपतिनाथ पारस को या चिराग पासवान को? जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पशुपतिनाथ पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का काम किया, वहीं अब दूसरी तरफ चिराग पासवान जी 20 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आहूत किया है। मुझे लगता है चिराग पासवान जी की नियति सही नहीं है कि वो पार्टी को एकजुट रखें। अगर नियति सही रहती तो जिस तरह का उन्होंने आचरण किया है कार्यकर्ताओं के साथ या पार्टी के पदाधिकारियों फाउंडर मेंबर के साथ, तो यह नौबत नहीं आती।
अब कितना भी कुछ कर लें, मुझे तो लगता है पशुपतिनाथ पारस जी की यहाँ जीत हो गई। अलग गठबंधन है, अलग दल है, और किसी के दल के मामले में हम क्यों बोलें? किसी के घर का बात है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। हमारा गठबंधन अलग है, हमारा दल अलग है, तो उसमें हम बीजेपी को क्या कोई मतलब ही नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए के जब तक रहे सदस्य रहे, एनडीए में वो रहे और एनडीए के साथ रहे, और एनडीए के साथ अटूट गठबंधन श्री रामविलास जी ने निभाया, और आज हम बिहार में एनडीए में मात्र चार दल हैं। इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी के साथ पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, दिल्ली से नेहा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुपेंद्र आपसे जानने की कोशिश होगी, दो गुट दो धड़ा, कल हमने देखा पारस गुट की बैठक हुई, लेकिन अब 20 तारीख को चिराग गुट की यानी कि कार्यकारिणी की बैठक होनी है, सबसे पहले उसको लेकर जानकारी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये बताते कि जब पार्टी जो है जी कहीं ना कहीं घर के इर्द गिर्द घूमती है तो मामला यही होता है। कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आपको कांग्रेस है, और भी कई बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में ऐसा नहीं देखा जाता है। और लोक जनशक्ति पार्टी जो एलजेपी है, उसको रामविलास पासवान ने आज से 21 साल पहले जो है उन्होंने बनाया था। उस समय वो एनडीए में थे और उस समय से अलग होके जो हो वो उन्होंने बनाया था। वही चीज़ें हैं कि अब चाचा अलग राह चल रहे हैं और भतीजा अलग राह चल रहे हैं, पर पशुपति पारस गुट ने पशुपति पारस को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, वो अपने को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान जो है अब कार्यकारिणी की बैठक जो है वो 20 तारीख को करने जा रहे हैं। पशुपति पारस के समर्थक तो दिखे कि उनके साथ जो है कितने लोग हैं, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो रामविलास पासवान के साथ जुड़े हुए थे, और वो रामविलास पासवान के साथ जो है कई विभिन्न पदों पर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, ये सारे लोग। अब ये देखना है कि चिराग पासवान जब कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, उसके अलावा उनकी जब मीटिंग हो रही है, लोग वो लोग जुड़े रह रहे हैं जो रामविलास पासवान के साथ थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोनों में जिस तरह से विवाद हुआ है, जिस तरह से एक ही घर की पार्टी है और एक ही घर की पार्टी में जिस तरह से घरेलू झगड़े होते हैं, घरेलू विवाद होता है, उस तरह पार्टी का विवाद चल रहा है। तो आगे ये मामला अभी कोर्ट में जाने वाला है, और कोर्ट में जब जाने चलिए देखना लाजमी है कि कोर्ट में मामला जाएगा तो आखिर जीत किसकी होगी। लेकिन फिलहाल नेहा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, लगातार आप ग्राउंड जीरो पे बनी हुई है, तमाम लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, लेकिन इसी बीच 20 तारीख को आप चिराग पासवान जो है कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, उसमें क्या फैसला लेना होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कहें इसको, क्या वाकई और कोई विकल्प चिराग पासवान के पास यहाँ पर बचता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कहे कि चिराग पासवान अब बिल्कुल अलग होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए प्रीति, ये पॉलिटिकल स्टंट है, 100 बात की एक बात अगर आप इसको माने तो पॉलिटिकल स्टंट है। एक तरफ पारस खेमे जाके कार्यकारिणी के बैठक करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो अब देखिए 20 तारीख को चिराग खेमे की तरफ से आपको कार्यकारिणी बैठक की सूचना मिल चुकी है, वो भी दिल्ली में, और लेकिन उसके बाद वो भी पटना जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वो भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, वो भी दिखाएंगे कि पार्टी के कितने लोग उनके साथ है। अब दोनों तरफ से समर्थन का प्रदर्शन जरूर होगा कि कौन किसके साथ कितना है, पार्टी के कार्यकर्ता कितना है, पार्टी के वर्कर कितने हैं, पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य कितने हैं। एक तरफ दावा अगर पारस खेमे का तो दूसरी तरफ दावा चिराग खेमे का भी। चिराग खेमे ने कुछ नंबर्स भी शो कर रहे हैं, जैसे 76 या 78 कार्यकारिणी सदस्य उनके दल में है, जिसमें कि 51 उनके साथ है, उन्होंने ये नंबर्स जो है वो शो किया। तो वहीं पर पारस खेमे की तरफ से आप देखें तो पटना में कार्यकारिणी की बैठक में बकायदा चुनाव कराया जाता है, और चुनाव कराने के बाद उसके बाद फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया जाता है। इसके अलावा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है प्रीति 12 जनपद में, उसके लिए भी आपको मैं बता दूं कि इसका प्रमुख मुद्दा उस बैठक का यही है कि किस तरीके से असंवैधानिक तौर पे पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के सिलसिले में चिराग खेमे जो है आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मुद्दा उठाया जाएगा कि पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगर वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो वो संसदीय दल के नेता का पद छोड़ देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। इसका मतलब साफ है, चिराग खेमे सीधे तौर पर तीखा सवाल उठाते हुए कि कहीं ना कहीं पारस जी को आश्वासन मिल गया है
कि वो केंद्रीय मंत्री जरूर बनेंगे। बिल्कुल नेहा, देखिए ये देखने वाली बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। रुपेंद्र, अब लोकसभा स्पीकर को भी इसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है, चिराग पासवान ने ये चिट्ठी लिखी है। नेहा भी उसी का जिक्र कर रही थी कि चिराग पासवान की ओर से कहा गया है कि ये तमाम जो प्रक्रिया है वो असंवैधानिक है, क्या कहेंगे इसे? देखिए लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है चिट्ठी लिखी गई है, चिराग में भी लिखा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है ना कि किसके साथ कितने सांसद हैं। जो भी चीजें हैं लोकसभा में वही मजबूत होगा जिसके पास सांसद होंगे, वही विधायक ये संसदीय दल का नेता जो है उस पार्टी का बन सकता है जो आपको जिसकी संख्या अधिक हो। तो इसमें देखा जाए तो चिराग पासवान जो अकेले पर जा रहे हैं, केवल चिराग पासवान ही एक खेमे में खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस को मिलाकर पांच सांसद हैं जो पशुपति पारस के साथ हैं, तो एक पशुपति पारस होते हैं और चार सांसद, तो कहीं ना कहीं जो है पशुपति पारस जो है वो मजबूत हैं और लोकसभा अध्यक्ष जो है उसी को मान्यता देंगे जिसके पास जो है संख्या बल अधिक होगा सांसदों की, और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है रुपेंद्र। लेकिन इस दौरान चिराग पासवान एक चीज का और जिक्र कर रहे थे, नेहा, चिराग पासवान ने जिक्र किया है कि एलजेपी का संविधान क्या कहता है उसको जानना जरूरी है और इसी के बिहाफ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई है। क्या लगता है, क्या वाकई एक पॉजिटिव सकारात्मक यहां पर जवाब आएगा सामने? देखिए अब ओम बिरला को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे हटाने की बात है, संसदीय दल का नेता ठीक है, जिसके पास सांसद है वो संसदीय दल का नेता होता है, ये स्वाभाविक सी बात है, ये तय सी बात है। लेकिन अब चिराग पासवान जिस चीज को मुख्यधारा बना के अपनी बात कहने की कोशिश करे, वो एलजेपी का वो संविधान है जिसमें ये लिखा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी पद की सूचना हटाने या करने से पहले आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को देनी होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चीज को अपने संज्ञान में लेगा, उसके बाद बातें आगे बढ़ेगी। उन्होंने ओम बिरला जो चिट्ठी लिखी है उसमें यही लिखा है कि अगर आपके पास इस तरीके की चिट्ठी आई, आपके पास सांसद मिलने के लिए आए, तो आपको वो चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपनी चाहिए थे, और उसके बाद जो इधर से जवाब जाता तब आप कोई स्टेप उठाते। तो अब जो है ओम बिरला के इस जल्दबाजी के फैसले कहले या कहले कि जब उनको दिखा कि संख्या ज्यादा है पारस जी के साथ तो उनको संसदीय दल का नेता नियुक्त किया जाए, तो अब चिराग पासवान इस चीज को मुख्य धारा बनाते हुए अब करेंगे हमला पारस खेमे पे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना ही नहीं थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाने या संसदीय दल के नेता का चुनाव किस तरीके से संभव है, क्योंकि पार्टी का संविधान, देखिए हर पार्टी का अपना संविधान है और एलजेपी पार्टी में ज्यादातर पावर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों में है, ना कि संसदीय दल के नेता के हाथों में। और अगर अगर चिराग खेमे के दावे के अनुसार अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक एक तरफ पटना में भी है तो दूसरी तरफ एक और कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। और आपको बता दें जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान का हुआ था उस दिन भी उन लोगों ने दावा किया था कि वर्चुअल कार्यकारिणी बैठक उन्होंने की है और उसमें उन्होंने समर्थन ले लिया 51 का। हालांकि ये सवाल उठता है जब उस दिन आपने कार्यकारिणी की बैठक कर ली तो फिर 20 जून को कार्यकारिणी बैठक बुलाने की क्या आवश्यकता है? और देखिए यही वजह है नेहा, देखिए यही वजह है कि जो चिराग पासवान है वो संविधान का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं कि एलजेपी का संविधान क्या कहता है। फिलहाल जवाब का इंतजार है, लोकसभा स्पीकर की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। शुक्रिया नेहा आपका तमाम जानकारी देने के लिए, रुपेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट